कम बोली लगने के कारण दोबारा होगी सारा इंडिया भूमि की लीलामी। जी हाँ दोस्तों, न्यू अपडेट 21 मार्च 2020 की। जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा की पल पल की खबर आपको लेकर आते हैं, तो दोस्तों आज जो हम न्यूज़ लेकर आए इसके संदर्भ में हमने आपको कल बताया था कि सहारा की 100 एकड़ ज़मीन की लीलामी तहसील परिसर में 21 मार्च को की जाएगी। तो दोस्तों आज ये लीलामी की गई और लीलामी कम बोली लगने के कारण रोक दी गई। और पूरी इस वक्त जो जानकारी हमारे सामने आई है नई दुनिया अखबार के द्वारा, जो हमें इस वक्त जानकारी मिली है वो ये है कि सहारा इंडिया की ज़मीन को शुक्रवार को लीलाम किया गया। लेकिन लीलामी के दौरान ज़िला प्रशासन द्वारा दो अलग अलग भूमियों को रखा गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा निर्धारित बोली की अपेक्षा आधी बोली भी न लगने के कारण लीलामी को आगे बढ़ा दिया गया। हालांकि कुछ संशोधन करने के बाद दूसरी बार लीलामी की जाएगी। तहसीलदार नरेंद्र बाबू यादव ने बताया कि सहारा इंडिया की कंपनी ज़िला प्रशासन ने डायवर्सन शुल्क की वसूली के लिए अभियान चलाया है। सहारा इंडिया के बेनेडिक्ट और नंदन रियल्टी के नाम से लेदरा नाका क्षेत्र में करीब 15 साल पहले 100 एकड़ ज़मीन ली थी, जिसका डायवर्सन आज तक जमा नहीं किया था। इसलिए SDM ने निर्देश दिया कि 32.1 हेक्टेयर और 8.26 हेक्टेयर दो अलग अलग भूमि का लीलाम किया गया। इस दौरान करीब आधा दर्जन बोलीदार आए, इन्होंने बोली लगाई, लेकिन प्रशासन ने 1.43 लाख लेने थे, लेकिन एक बोली में 60 लाख और दूसरी में करीब 8 लाख की अंतिम बोली आई है। तहसीलदार ने बताया कि यह भूमि नेशनल हाईवे में लगी है तो इसका रेट ज़्यादा रखा है। प्रशासन द्वारा 1.43 लाख की बोली की अपेक्षा आधे रेट भी नहीं आए, इसलिए जल्द ही दोबारा लीलामी की जाएगी। तो दोस्तों ये इस वक्त जो हमारे पास न्यूज़ आई है, इस न्यूज़ के आधार पर ऐसा लगता है कि इसमें सहारा सुब्रत राय की कोई ऐसी ख़ास चालाकी थी जिस वजह से इन्होंने ये डायवर्सन शुल्क जमा नहीं किया गया। और यहाँ पर बोलीदाताओं ने भी इसकी इतनी कम बोली लगाई कि यह ज़मीन तहसील परिसर को रोकनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये लीलामी को रोकना पड़ा और इसको दोबारा लीलाम किया जाएगा और इसके लिए एक नई तरीके से फिर से एक नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। और उस आधार पर जैसे भी कोई न्यूज़ हमारे पास आएगी इससे इस प्रॉपर्टी के लीलामी से रिलेटेड, तो दोस्तों आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और अगर आपको हमारी ये न्यूज़ पसंद आती है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए US खान को दे ज़्यादा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।